फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मजेदार, बहुत ही लजीज रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी नरगिसी कोफ्ते। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रेसिपी है, बट ऐसी बात नहीं है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने सेम मेजरमेंट्स फॉलो करनी है और ये रेसिपी को आपने बनाना है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। और इंशाल्लाह अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स को फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते ना ही सख्त होंगे ना ही वो टूटेंगे। तो सबसे पहले आपने चॉपर में 500 ग्राम्स बीफ का कीमा लेना है। कीमे में 80% आपका मीट होना चाहिए और 20% फैट होना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे गार्लिक यानी लहसुन 4 से 5। इसमें जाएगा 1 इंच अदरक का टुकड़ा। आप उसको बारीक भी काट सकते हैं और इस तरह से भी डाल सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चें 4 से 5, मैंने 4 ऐड की हैं। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। इसमें है नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 2 से 3 चुटकी इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। साथ में इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। और आखिर में इसके अंदर जाएगा 1 प्याज, जिसका आपने पानी अच्छी तरह से निकाल लेना है और प्याज को बिल्कुल खुश करके आपने इसके अंदर ऐड करना है। मजीद फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए आप चाहें तो इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं और कुछ पत्ते पुदीने के भी डाल सकते हैं। तो जी, इन सब इंग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से आपने चॉपर में चॉप कर लेना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि कीमे के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसको तब तक चॉप करेंगे जब तक ये मुलायम ना हो जाए। तो जब कीमे का टेक्सचर इस तरह से हो जाए बिल्कुल मुलायम सा, तो आपने इसको चॉपर को बंद करना है और एक प्लेट में सारा कीमा निकाल लेना है। कीमे को 15 से 20 मिनट के लिए अभी हम लोग फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेटल हो जाए। और 30 मिनट के बाद जब कीमा सेटल हो जाएगा तो हम लोग फ्रिज से बाहर निकालेंगे और फिर हम लोग इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने का प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा। और इस तरह से हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। पहले आपने कीमे की एक लेयर लेनी है, फिर उसके अंदर आपने अंडा रखना है और फिर उसको अच्छी तरह से बाइंड कर देना है। और इस तरह से आप बाकी के कोफ्ते भी बना लेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले आपने 2 टमाटर लेने हैं और उन 2 टमाटर को आपने ब्लेंड करके एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और अब लेंगे हम लोग एक फ्राइंग पैन ले लें या कढ़ाही ले लें, जैसे आपको आसान लगता है। उसमें आपने ऐड करना है 1/2 कप कुकिंग ऑयल। और जो कोफ्ते हमने तैयार किए थे इस ऑयल में हम लोग उसको शैलो फ्राई करेंगे। आप लोगों ने डीप फ्राई नहीं करने, उससे कोफ्ते टूटने का खतरा होता है। तो ब्राउन कलर आने तक हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। मैंने टोटल 5 अंडे बॉईल किए थे तो 5 कोफ्ते बनाने के लिए, लेकिन मेरा थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था तो मैंने उनको छोटे छोटे राउंड बॉल्स में बना लिए हैं। आप लोग भी इतना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एट दिस स्टेज कोफ्ते आर रेडी। कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इनको मैंने डिश आउट कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में, उसी ऑयल में मैं डालूंगी कुछ मसाले। तो गरम मसाले में मैं डालूंगी सबसे पहले 2 तेज़पत्ते, साथ में लिया मैंने 4 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची और साथ में कुछ स्टिक्स दालचीनी की। आप लोग 1 स्टिक भी बड़ी डाल सकते हैं। तो ये गरम मसाले को आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है जब तक इसकी खुशबू अच्छी अच्छी सी नहीं आ जाती। और अब इसमें जाएगा चॉप्ड प्याज। प्याज को भी आपने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है, जब तक कि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर नहीं हो जाता तब तक के लिए हम उसको पकाएंगे। तो जब प्याज का कच्चापन दूर हो जाए तो उसमें अब डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सो एट दिस स्टेज अब हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट।
ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाने के बाद अब ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस। सबसे पहले ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, क्रश्ड सूखा धनिया 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाएंगे। अब मैं इस ग्रेवी में 2 मसाले मजीद ऐड करूंगी, जिसमें होगा गरम मसाला पाउडर और 2 चुटकी हल्दी पाउडर। और अब ग्रेवी में जाएगा दही, इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए तब आपने शामिल करने हैं जो कोफ्ते फ्राई किए थे वो। और साथ में इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी और इसको आपने ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना है। सो 30 मिनट तक पकाने के बाद कोफ्ते हमारे रेडी हो गया। इसको हमने डिश आउट कर लिया है और ऊपर से हमने स्प्रिंकल किया है गरम मसाला और कटा हुआ सब्ज धनिया। तो मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते रेडी हो गए हैं। आप लोगों ने इसे घर में भी ज़रूर ट्राई करना है। अभी मैं आपको कोफ्ते कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से इसकी लुक किस तरह की आती है। गाइज ये है नरगिसी कोफ्ते की फाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। गिव माई वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। सो आई विल सी पीपल इन नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।